समाजसेवी मेधा पाटकर एक बार फिर सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों को उनका हक दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई है। उनके साथ कई बांध प्रभावित भी अनशन पर बैठ गए हैं। धार जिले के नर्मदा किनारे आखिरी छोर पर बसे सरदार सरोवर बांध से प्रभावित पिछले 39 सालों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आए, लेकिन आज भी कई प्रभावित अपने अधिकार को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। 2017 में भी इसी प्रकार हजारों प्रभावितों के साथ अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रत्येक पट्टाधारी को 5,80,000 रुपए की राशि मंजूर की थी। साथ ही जिन प्रभावितों के पास मकान बनाने के लिए प्लॉट नहीं है, उन्हें 1500 वर्ग फीट का प्लॉट उपलब्ध कराना था, लेकिन क्षेत्र में अधिकारियों ने मात्र पात्र अपात्र के चक्कर में सैकड़ों बांध प्रभावित इस लाभ से वंचित रह गए हैं, जिन्हें न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर मेधा पाटकर अनशन पर बैठ गई है। दादा, क्या मांगे और किन मुद्दों को लेकर आज भी आप क्रमिक अनशन पर बैठे हैं? दीदी, अनिश्चितकालीन अनशन पर सरदार सरोवर में जो सर्वे करके छोड़े गए लोगों को और 2023 में जो डूब आई है, हम पहले से कह रहे थे कि पहले जो सर्वे किया था वो ठीक है, उसको बदलते हुए 15,946 परिवारों को बाहर किया है। और आज हमारी यही मांग है सरकारों से कि जब तक उन लोगों को नहीं मिल जाता तब तक 122 मीटर पे पानी रखें, 17 मीटर के गेट उठा के रखें। पॉलिसी तो ये थी, बनाई थी कि एक साल पहले विस्थापित को दे देंगे, 6 महीने बाद में वो बस जाएगा और 6 महीने बाद पानी भरेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरदार सरोवर का 1 मीटर का हाइट बढ़ाते हैं तो 1 मीटर में कितना फॉरेस्ट का जंगल जाएगा, रेवेन्यू का जाएगा, गांव जाएंगे, उसका पुनर्वास नहीं करते हैं तब तक आप दूसरे मीटर का हाइट नहीं बढ़ा सकते। लेकिन सरकारें नहीं मानी, जबरदस्ती कर दी गई और वो काम पीछे पड़ गया, पुनर्वास लोगों का नहीं हुआ, न जंगल के बदले जंगल लगा, केवल जंगल कागजों पे लगा दिया, जापान से कर्जा लिया लेकिन जितना जंगल गया है उसके बदले में कहीं पे जंगल नहीं लगाया। इन लोगों जो कुदरती जंगल था वो खत्म हो गया, खत्म कर दिया उसको। तो हमारा बैठोगे यहाँ पर जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, समय नहीं है, आए वो अधिकारी, आए सरकार, आए बात करें। और हमारा डिमांड यही है कि अभी बरसात आ गया है, पूरा साल खत्म कर दिया, पिछली बार जो डूब आई केवल आश्वासन सुनते रहे कमिश्नर के, कलेक्टर के, SDMO के, हम आ रहे, मीटिंग कर रहे, ये कर रहे, शिविर लगाएंगे, लेकिन कोई आगे काम नहीं बढ़ा। बीच में 2 चुनाव आ गए थे इसलिए भी समय गया है, बरसात आ गया, अब बरसात में हम नहीं बैठेंगे। निमाड़ी में कहावत है, पानी आने के पहले पाल मांगनी पड़ेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पानी से पहले हमारी मांगे हैं, सबका पुनर्वास हो जाए, जो 580 बचा है घर प्लाट बचा है, 15 लाख से वंचित है, 60 लाख से वंचित है, उन सब लोगों को मिलना चाहिए। दीदी, आज फिर 8 सालों के बाद चिकलदा में एक बार फिर आपका अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हुआ है, किन मुद्दों को लेकर? आज हम चिकलदा गांव के, जहां आशिया के पहले किसान का जन्म हुआ उसी के खेड़ा मोहल्ले में बैठे हैं। खेड़ा में भी दसों परिवार हैं जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है। सरदार सरोवर के विस्थापितों में से हजारों का पुनर्वास हुआ 39 साल संघर्ष करते हुए, कानूनी और मैदानी। पर आज जबकि सैकड़ों लोग करीबन 500 टिनशेड में पड़े हैं 2019 से, आज जबकि सैकड़ों लोगों को उनका वैकल्पिक जमीन का हक उसके बदले अनुदान मिलना बाकी है, आज जबकि कुमार पशुपालक दुकानदार भी बाकी है, और आज जबकि 15,946 परिवार जिनको डूब के बाहर किया था, बैकवाटर लेवल को अवैध रूप से कम दिखाते हुए वो पिछले साल डूब में आए, पर उसके बारे में राहत देने के अलावा अभी तक नुकसान भरपाई का निर्णय नहीं हुआ है। और तो और इस बरसात में 2024 के क्या होगा कि कोई जानता नहीं है। हमारा मानना है कि कानून, नीति और सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों के आधार पर अब किसी भी परिवार का खेत या घर डूबना नहीं चाहिए बिना संपूर्ण पुनर्वास के। और उसके लिए सरदार सरोवर का जलस्तर 122 मीटर पर रोकना पड़ेगा, जो दीवार की ऊंचाई है, और उसके ऊपर के 17 मीटर गेट खुले रखने पड़ेंगे। ये कानूनी कर्तव्य है सरकार का। 2019 का चीफ जस्टिस रमन्ना के आदेश से भी चारों मुख्यमंत्रियों को ये तय करना था
उन्होंने झूठा दावा किया, सबका पुनर्वास पूरा हो गया है। हमको ये मंजूर नहीं है। आज लोग जो भूखे हैं, जो बेघर हैं, जो बेरोजगार हैं, इन सब की अपेक्षा है कि हमारे अहिंसक सत्याग्रह के द्वारा ही सरकार, हम संवाद नहीं नकारते हैं, तो संवाद बार बार करते आए हैं, पर जो निर्णय नहीं हुए हैं उन निर्णयों पर आग्रह है कि निर्णायक बैठक ले लें और उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे आगे क्या करना है। लेकिन प्रत्यक्ष में कल SDM आए थे, आज दूसरा ही दिन है अनिश्चितकालीन अनशन का, पर साथ साथ क्रमिक अनशन पर कल भी बैठे थे और आज भी बैठी है हमारी महिलाएं। तो निश्चित रूप से सरकार से अपेक्षा है कि वो न्याय करे, अन्याय और अत्याचार नहीं।